हेलो गाइस, दिस इज पीयूष हियर। सो आज हम बात करेंगे कॉलम एलियास की। ओके, सो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एलियास जो होता है वो एक अल्टरनेट नेम होता है, रिनेम करके, टेम्पररी रिनेम वैल्यू एक तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी कॉलम के नेम को टेम्पररी रिनेम कर देना, वो एलियास के अंदर आता है। ओके, जब आप किसी भी कॉलम के नेम को एलियास के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम जब डिस्प्ले पर आउटपुट आएगा तब ही सिर्फ उसका नेम चेंज होगा, अदरवाइज उसका नाम चेंज परमानेंट कभी नहीं हो सकता, राइट? सो एन एलियास इज यूज्ड टू रीनेम अ कॉलम और एन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द डिस्प्ले। द एलियास टू अ कॉलम और एन एक्सप्रेशन अपीयर्स एज द you can see the hiding of the outputs of a query. Suppose that you are working on expression. Suppose that आपने कोई arithmetic operation expression use करके आपने कोई चीज़ value निकाली है, पर अगर आपको वो expression नहीं दिखाना है तो आप उसको alias के अंदर convert कर देंगे, तो उसमें आपकी जो भी आपने operation backend में use किया है तो वो नहीं दिखेगा। कैसे check कर सकते हैं ये, थोड़ा सा doubt आपके दिमाग में होगा कि किस तरीके से हम alias को use कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले थोड़ी सी theory पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो what is alias? An alias is used to what? Rename or what? Rename a column and what? Or an wait a moment, expression. Okay, right? Or an expression during what? During what? During display, right? It is very simple, quite simple. Okay. So what we can use the query? Okay, so like I'm using the select. Wait a moment. Select what? Select. Suppose that I'm using the select number. और मुझे select यहाँ पर number नहीं दिखाना है, मुझे यहाँ पर दिखाना है what? EMP नंबर। सपोज है मुझे एम्प्लॉय नंबर दिखाना है उस जगह पर जहाँ मैंने नंबर दे रखा है, तो आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, आपको एज लिखना है। एज मतलब कि उसके जैसा, मतलब कि रिनेम कर देना। यहाँ नंबर को अगर आपको रिनेम करना है EMP नंबर में तो आपको AS करके एज आपको लिखना होगा बीच में, राइट? ओके, एंड आपको उसकी सैलरी भी देखनी है, सपोज दैट। ओके, बट जो सैलरी आपको देखनी है, सैलरी मंथली भी देखनी है और आपको उसकी सैलरी सेल एनुअली भी देखनी है, राइट? फ्रॉम व्हाट? ईएमपी 12, राइट? बट अब देखिए, सपोज दैट अगर आपको, आपने यहाँ तो एलियास लगा दिया, नो वरी अबाउट इट, ओके चलता है। बट अगर आपकी एनुअल सैलरी उसे देखनी है और आपको ये भी बताना कि मैंने क्या एक्सप्रेशन यूज़ किया है, क्या लॉजिक यूज़ किया है एनुअल सैलरी को देखने के लिए, तो आप एलियास यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इस क्वारी को यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट व्हाट? सेलेक्ट नंबर एज ईएमपी नंबर, राइट? एंड व्हाट यू कैन यूज? सेल फॉर मंथली सैलरी एंड सेल इनटू 12 फ्रॉम वेयर? ईएमपी 12, राइट? तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर लॉजिक आ रहा है, मगर लॉजिक को छुपाना, और नंबर की देखिए जहाँ नंबर था वहाँ पर आ गया है EMP नंबर, जिसे हमने एलियास कर दिया। बट अगर हमें लॉजिक नहीं दिखाना है तो बेसिकली लॉजिक को हाइडिंग करने के लिए हम एलियास का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो हम यहाँ लिख देंगे एज व्हाट? एनुअल सैलरी, राइट? तो देखिए पहले सेल इनटू 12 करके आ रहा था, अगर आपको लॉजिक हाइड करना है तो आप एज ऑपरेटर का यूज़ करके, इट मीन एलियास का यूज़ करके, एलियास कमांड का यूज़ करके आप टेम्परेरी डिस्प्ले वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले या कॉलम्स के नेम को रिनेम कर सकते हैं टेम्परेरी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एलियास, कॉलम एलियास। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस करिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स मैं लेके आता हूँ। मैंने जावा पर भी बनाए हैं बहुत सारे लेक्चर्स, और मैंने ट्राई किया है कि इंग्लिश में और हिंदी में वीडियोज़ बना सकूँ। ओके, सो मैंने दोनों लैंग्वेज यहाँ पर कॉम्बिनेशन में मैंने यूज़ करी है, एंड द मेन थिंग इज आई अपलोडेड ऑलरेडी द जावा वीडियोज, कोर जावा वीडियोज, एंड
ऑलरेडी आई एम वर्किंग ऑन कॉटलिन, आई एम वर्किंग ऑन ओरेकल, आई एम वर्किंग ऑन स्प्रिंग, आई एम वर्किंग ऑन एडवांस जावा, एंड एडवांस जावा आई एम वर्किंग ऑन JDBC, सर्वलेट एंड एज वेल एज GSP, एंड आई एम वर्किंग ऑन ऑल्सो एंड्रॉइड यूजिंग कॉटलिन लैंग्वेज. सो बहुत सारे ऐसे वीडियोज आने वाले हैं, तो जिस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए एंड बेल आइकन प्रेस कर रखिए, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अगर मिलती रहे आपको तो आपको बेनिफिशियल रहेगा. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.